नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा आप सबका स्वागत करती हूँ मनीषा किचन में। दोस्तों आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं चल रही हूँ अपने बैंगन के खेत में। दोस्तों मैं बैंगन के खेत में आ चुकी हूँ और ये रहा बैंगन का पेड़। और देखिए इसमें कितने अच्छे बैंगन फैले हुए हैं। यहाँ से मैं देख देख कर जो अच्छे अच्छे बैंगन हैं उसे तोड़ लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों कितने खूबसूरत लग रहे हैं बैंगन के पेड़, और इसमें जो फले हुए बैंगन हैं वो भी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आज मैं इसी बैंगन की बहुत ही अच्छी और टेस्टी रेसिपी बनाकर आप लोगों के बीच शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट अभी बैंगन को तोड़ लेते हैं खेतों से, इसके बाद इसका हम बनाएंगे रेसिपी। दोस्तों बैंगन की कई वैरायटी होती है। एक तो गोल वाला बैंगन होता है, एक तो लंबा वाला बैंगन होता है, और एक और बैंगन होता है दोस्तों कलौजी वाला, जो कि व्हाइट कलर का होता है। उसकी सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। और जो मैं अपने खेत में बैंगन लगाई हूँ ये भी बैंगन काफ़ी बढ़िया होता है। इसके जो छिलके होते हैं बहुत ही पतले होते हैं और इसकी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनती है। तो आज मैं इस बैंगन की बनाने वाली हूँ भंडारे वाली सब्जी, जो कि शादी विवाह में और कोई भी काज प्रयोजन पड़ता है गांव देहात में, तो इसी तरह से इसकी सब्जी बनाई जाती है। तो आज मैं इसकी बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाने वाली हूं दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने बैंगन को अच्छे तरह से धो लिया है, और यहाँ पे हम पालक भी लिए हुए हैं। ये हम अपने खेतों से पालक काटे हुए हैं, पालक को भी हम अच्छे से धो लिए हैं। तो चलिए अब फटाफट यहाँ पर कुछ और सामान लिए हुए हैं, टमाटर है, हरा मिर्च है, अदरक और लहसुन और प्याज है, सभी को हम छील कर रख लेते हैं। और आज मैं इस सब्जी के साथ चावल भी बनाने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट पहले मैं आलू का छिलका उतार लेती हूँ, इसके बाद सब्जी काटना शुरू करती हूँ। चलिए दोस्तों रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चूल्हे में आग जलाएंगे। आग हमारा अच्छे से जल गया है। अब हम इस पे रखेंगे कुकर। इस कुकर में हम बनाएंगे चावल। चावल बनाने के लिए कुकर में हम डालेंगे पानी और इसे ढक देते हैं गर्म होने के लिए। और यहाँ पर हम चावल लिए हैं, इसे धोकर साफ कर लेते हैं। चावल को हम अच्छी तरह से धो लिए हैं। अब चलिए कुकर का ढक्कन हटाते हैं। ये देखिए पानी अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें धुले हुए चावल को डाल देती हूँ। कुकर में चावल लोग बनाते हैं तो एक साथ पानी और चावल डाल देते हैं, और मैं तो थोड़ा सा अलग तरीके से बना रही हूँ कुकर में चावल। पहले पानी को हल्का सा गर्म होने देती हूँ, इसके बाद जो है कि इसमें चावल डालती हूँ। तो यहाँ पर हम सभी चावल को डाल दिए हैं। अब ढक्कन लगा देते हैं और चावल को पकने देते हैं। जब तक चूल्हे पे चावल पक रहा है इधर मैं बाकी का काम कर लेती हूँ। यहाँ पर आलू हम अच्छे से धो लिए हैं और इसे हम छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं। दोस्तों आज मैं बैंगन की एकदम मस्त सब्जी बनाने वाली हूँ, जो कि भंडारे में बनाया जाता है। और यहाँ पर हम प्याज लिए हैं, इसे भी काट लेते हैं। और चलिए अब ये टमाटर भी काट लेते हैं। और यहाँ पर चावल हमारा पक गया है। चावल को चूल्हे से नीचे उतार देते हैं और चूल्हे पे रखते हैं कढ़ाई। कढ़ाई को हल्का सा पोंछ देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे तेजपत्ता और पंचफोरन का तड़का लगाएंगे, साथ में चुटकी भर हींग भी डालेंगे। ऐसे पाचन अच्छे से होता है। बैंगन की सब्जी बनाइए तो उसमें हींग जरूर डालिए। पंचफोरन को चटकने देते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे एक बरी। बरी डालने से सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और बहुत लोगों को बरी नहीं पता है दोस्तों, तो मैं बरी का वीडियो एक बनाई हूँ, आप लोगों को शेयर करूँगी दोस्तों जल्द ही। अब हम इसमें डाल देंगे
कटा हुआ प्याज, टमाटर और सॉरी दोस्तों कटा हुआ प्याज और अदरक लहसुन है और हरा मिर्च भी है। तो सभी को हम अच्छे से ब्राउन होने देते हैं। ये अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ आलू। आलू को डालने के बाद इसे अच्छी तरह से भूनते हैं। अब हम आलू को पकने देते हैं और यहाँ पर जो बैंगन है बैंगन का छिलका हटा देते हैं। आप चाहे तो बैंगन का छिलका नहीं भी हटा सकते हैं क्योंकि इसका छिलका काफ़ी पतला होता है, लेकिन मैं इसका छिलका हटा दे रही हूँ। और इधर बीच में आलू भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं। ये काफ़ी जो है कि अच्छे लग रहे हैं देखने में, इसका कलर काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो अभी हम इसे थोड़ी देर के लिए और ढक देते हैं। और यहाँ पर हम बैंगन को छोटे छोटे पीस में काट कर तैयार कर लेते हैं। आज मैं बैंगन की सब्जी बनाने वाली हूँ और इसमें मैं बिल्कुल भी पानी नहीं डालूंगी। बस बैंगन, आलू, टमाटर और पालक से ही बनाने वाली हूँ, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। यहाँ पर हम सभी पालक को काटकर तैयार कर लिए हैं। अब चलिए कढ़ाई की तरफ भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, बैंगन और आलू अच्छे से जो है कि मुलायम हो गए हैं। अब बारी आती है इसमें टमाटर और पालक डालने की। तो पहले तो मैं इसमें डालूंगी पालक। इस तरह से ऊपर से रख देती हूँ पालक। सभी पालक को हम डाल दिए हैं। अब इसे पलटे से चला देते हैं और सभी जगह अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं डालने वाले हैं, इसे ऐसे ही पकाएंगे और इसे हम धीमी धीमी आंच पर पकाएंगे ताकि ये पानी छोड़ने लगेगा और इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कढ़ाई में पालक हम दो बार करके डाले हुए हैं क्योंकि पालक बहुत ज़्यादा रहता है तो कढ़ाई भर जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके पालक डालकर इसे मिक्स करते गए हैं और ये पालक के पत्ते जो है कि नरम हो गए हैं और इसे अच्छे से हम चला देते हैं। ये देखिए दोस्तों, देखने में आलू बैंगन पालक की सब्जी कितनी अच्छी लग रही है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ऊपर से हल्दी पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर, दोनों एक ही में मिक्स किए हुए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसमें ऊपर से डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक। कढ़ाई में हम सभी मसाला और नमक डाल दिए हैं। अब इसे पलटे से चलाकर अच्छे से मिक्स करते हैं।
अब हमारी सब्जी बहुत ही अच्छे से बनेगी। इसे हम ढक देते हैं पकने के लिए और इधर हम टमाटर को भी काट कर तैयार कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, थाली को हटाकर चेक करते हैं। ये देखिए, कढ़ाई में पानी जो है कि छोड़ दिया है पालक। अब इसे अच्छे से चला देते हैं और इसे हम धीमी धीमी आंच पर ही पकाएंगे। बस दोस्तों, 10 से 5 मिनट में हमारी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। ऊपर से हम इसमें डाल देते हैं ये पके हुए टमाटर। टमाटर को डालने के बाद इसे अच्छे से ढक देते हैं। अब हम थाली से ढक देंगे पकने के लिए। कुछ देर हो गए हैं, अब हम इसे चला देते हैं अच्छे से। तो ये देखिए दोस्तों, आलू बैंगन पालक टमाटर की सब्जी हमारी तैयार होने वाली है। बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में। बस एक मिनट तक इसे और पकाएंगे। चलिए थाली को हटाकर चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छी बनी हुई है, भंडारे वाली सब्जी है। ये पूड़ी के साथ, पराठे के साथ खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस सब्जी को थाली में सर्व करते हैं और इसे हम चावल के साथ खाने वाले हैं। आप चाहें तो पराठे के साथ खाइए, पूरी के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए। वाकई में ये सब्जी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। और इस तरह से आप लोग भी बैंगन की सब्जी बनाइए और इसके स्वाद का आनंद लीजिए। अपना अनुभव मुझे कमेंट में बताइए। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम फिर मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।